कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी सोनभद्र के उंभा गांव पहुंची, जहां उन्होंने नरसंहार पीड़ितों से मुलाकात की। ये वही उंभा गांव है जो पिछले महीने यूपी से लेकर दिल्ली, बिहार से लेकर बंगाल तक सुर्खियों में बना रहा। 17 जुलाई को 10 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। उस वक्त प्रियंका गांव तक नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन आज गांव जाकर लोगों से मिली और उनकी समस्याएं सुनी। घटना स्थल पर भी पहुंची, खेतों के बीच मेड़ पर भी चलती नजर आई। एक महिला उनका हाथ थाम कर उन्हें खेतों में घुमाती दिखी। इतना ही नहीं, पीड़ित आदिवासियों के घर भी वो गई। 19 जुलाई को प्रियंका उंभा गांव जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हालात बिगड़ने की आशंका को लेकर यूपी पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया था और उन्हें हिरासत में लेकर चुनार गेस्ट हाउस ले आई थी, जहां उन्होंने 48 घंटे तक धरना दिया, लेकिन उन्हें गांव जाने नहीं दिया गया। बाद में कुछ पीड़ित परिवारों ने गेस्ट हाउस में ही उनसे मुलाकात की। कांग्रेस उंभा गांव जैसे मुद्दे को लेकर बीजेपी और यूपी सरकार को घेरने की कोशिश में लगी है। साथ ही यूपी में अपनी खो चुकी जमीन को तलाशने की कोशिश भी प्रियंका गांधी की जारी है। R9 TV के लिए अनु सिंह की रिपोर्ट।